नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बचपन का प्यार गाना गाकर सोशल मीडिया पर फेमस हुए उस छोटे बच्चे को कौन भुला सकता है। सहदेव दिर्दो नाम के इस बच्चे ने बचपन का प्यार गाना गाकर शोहरत की बुलंदियां हासिल की। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहदेव से मिलकर उनका गाना सुना और उनकी खूब तारीफ की। हाल ही में सहदेव एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। मंगलवार शाम हुए एक्सीडेंट में सहदेव के सिर में गहरी चोट आने की खबर सामने आई है। सुकमा जिले के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जगदलपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सुकमा के डीएम विनीत नंदनवार से बात कर सहदेव के इलाज के लिए हर जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के करीब 5 घंटे तक सहदेव बेहोश रहे, जिसके बाद रात 10 बजे के बाद जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सहदेव को होश आया। हादसे का कारण बताया जा रहा है कि सहदेव स्कूटी पर सवार होकर अपने दोस्तों संग घूमने निकला था, तभी अचानक सड़क पर मिट्टी और रेत की वजह से स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में सहदेव के सिर पर गहरी चोटें आई हैं। वहीं बता दें कि बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने भी सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद सहदेव के परिजनों से फोन पर बात की। गौरतलब है कि बादशाह के साथ ही सहदेव ने मुंबई जाकर बचपन का प्यार गाने का वीडियो शूट किया था। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।